हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें से लाइन बाय लाइन क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके थ्रू हम पूरे चैप्टर का रिविजन करेंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए काफी सारे क्वेश्चंस, तो आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार हम उसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो कई बार बोर हो जाते हैं। तो अब आप देखिएगा कि आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से इन क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाता है? आंसर होगा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। सेकेंड क्वेश्चन आता है एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ वर्ल ऑफ। एंड्रोशियम किससे मिलकर बनता है? एंड्रोशियम मिलकर बनता है किससे? स्टेमन से। तो हम लिख देंगे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्टेमन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर थ्री, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाता है बच्चा? गायनोशियम। तो हम फटाफट से लिख देंगे आंसर क्या? गायनोशियम। क्वेश्चन नंबर फोर आता है गायनोशियम कंसिस्ट ऑफ, ये है पिस्टिल या फिर कार्पेल, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर फाइव आता है स्टेमन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। स्टेमन बच्चों दो पार्ट से मिलकर बनता है, कौन कौन सा? एक तो होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। अगर बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि स्टेमन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स पर्टिकुलर नहीं देते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं फिलामेंट एंथर। और जो एंथर लोब्स होती है वो आपस में किसके थ्रू जुड़ी होती है? कनेक्टिव के थ्रू। लेकिन यहां चूंकि टू पार्ट्स मेंशन किया गया है तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे? फिलामेंट एंड एंथर। फिर बात आती है द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू, यानी फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल वाला पार्ट होता है, यानी जब आप फ्लावर देखेंगे तो उसमें जो फिलामेंट होता है, जैसे इस तरह से मैंने बनाया है ये फिलामेंट और यहां पर लगी होती है एंथर लोब, तो ये किससे अटैच रहता है? ये वाला वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कहलाता है प्रॉक्सिमल वाला पोर्शन। मैं यहाँ पे इसको पी से लिख देती हूँ, ये कहलाता है प्रॉक्सिमल वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कहलाता है डिस्टल वाला पोर्शन। तो जो प्रॉक्सिमल वाला पोर्शन होता है वो या तो जुड़ा होता है किससे? पेटल्स के थ्रू, या फिर आंसर इसका होगा थैलेमस के थ्रू। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन से क्या होता है, हम चैप्टर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, एक ही चैप्टर को कितनी बार पढ़े, तो बेटर है कि हम उसके क्वेश्चंस कर लें, तो उससे हमारे पास क्वेश्चन बैंक भी आ जाता है और हम ये भी अपने आप को जज कर पाते हैं कि हम क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर सेवन की, राइट थ्री बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंथर। एंथर के बच्चों तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको बताने हैं। एक तो ये कि एंथर कैसा होता है, डायथेकस होता है। दूसरी बार कैसा होता है, जब आप उसका सेक्शन काटेंगे तो कैसा दिखेगा आपको? टेट्रागोनल दिखेगा। और कैसे होते हैं? बाइलोब्ड होता है। तो ये तीन फीचर हो गए, बाइलोब्ड, डायथेकस और टेट्रागोनल। तो ये हमने सॉल्व कर लिए टोटल सेवन क्वेश्चन और हम इस पर जल्दी से टिक लगा देते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर एट की, हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर फाउंड इन अ टिपिकल एंथर। यानी कि जब आप एंथर का टीएस लेंगे तो आपको उसमें, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया टेट्रागोनल कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया हमें दिखाई देती है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फोर। फिर आती है बात क्वेश्चन नंबर नाइन की, राइट द नेम ऑफ फोर वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। बच्चों माइक्रोस्पोरेंजिया की फोर वॉल लेयर्स कौन कौन सी होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से अंदर मिलेगी आपको एंडोथीशियम, फिर आपको मिलेगी मिडिल लेयर, और फिर अंदर की वाली जो लेयर होती है, जो इनर मोस्ट लेयर है, वो कहलाती है टैपेटम। तो इसके चार लेयर्स के नाम भी हमने लिख लिए। फिर बात आती है विच लेयर गिव्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। तो बच्चों जो नरिशमेंट देने का काम करती है वो कौन करती है? टैपेटम करती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चा? टैपेटम। फिर बात आती है डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो समझो बच्चों, जहां पर भी जेनेसिस वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। अब ये क्या कह रहा है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि किसका फॉर्मेशन? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। किससे होगा? एमएमसी, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से। तो हमारा पूरा आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और जब ये प्रोसेस होती है तो नेचुरली इसमें कौन सा डिविजन होगा? मियोटिक डिविजन इसमें होगा। फिर बात आती है माइक्रोस्पोर डेवलप इंटू, माइक्रोस्पोर किसमें डेवलप हो जाते हैं? माइक्रोस्पोर बच्चों डेवलप होते हैं किसमें? पॉलन ग्रेन में, पॉलन ग्रेन में। और फिर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स एंड गिव राइज टू। बच्चा पॉलन ग्रेन जब भी जर्मिनेट होता है तो उसको हम क्या बनता है? मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। और फिर आती है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 की बारी, साइज ऑफ पॉलन ग्रेन इज, पॉलन ग्रेन का साइज कितना है? तो वो होता है 25 से लेके 30 माइक्रोमीटर तक। ठीक
ठीक है। तो हम लोगों ने कर लिए बहुत जल्दी से, बहुत स्पीड से, और सब पर टिक लगा देती हूँ मैं, ये हमने कर लिए 14 क्वेश्चन। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज, बच्चों आउटर लेयर जो है वो क्या कहलाती है, एग्जाइम, एंड इट इज मेड अप ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसकी बनी होती है, स्पोरो पॉलेनिन की, स्पोरो पॉलेनिन। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, इन आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोमिनेंट अपर्चर्स आर प्रेजेंट नेम्ड एज, यानी कि आउटर लेयर पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर यानी कि एग्जाइन है उसमें कुछ अपर्चर्स मिलते हैं, कुछ पोर्स मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं जर्म पोर्स, हमारा आंसर हो गया जर्म पोर्स। क्वेश्चन नंबर 17, पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, व्हाई, भाई पॉलन ग्रेन्स फॉसिल्स के फॉर्म में प्रिजर्व रहते हैं, क्यों, क्योंकि जो आउटर लेयर जो एग्जाइन होती है वो बनी होती है स्पोरो पॉलेनिन की, और ये स्पोरो पॉलेनिन उसको प्रोटेक्ट करता है एसिड से, एल्कली से, और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से, तो इस वजह से स्पोरो पॉलेनिन की वजह से ये एज अ फॉसिल्स क्या होते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बारी, इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज, और इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इसका आंसर हो जाएगा एंटाइन, इट इज मेड अप ऑफ, तो इसमें आप लिख देंगे सेल्युलोज एंड पेक्टिन, सेल्युलोज एंड पेक्टिन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19, नेम द टू सेल्स ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको दो सेल्स मिलेगी बच्चों, एक सेल होगी जो बड़ी वाली सेल होगी उसको हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल, और जो छोटी वाली सेल होगी उसको हम क्या कहेंगे, जेनरेटिव सेल। समझ में आ गई बात। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 20 की, हम जब तक फटाफट सब पे टिक लगा देते हैं, 15 से लेके 19 तक। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल, तो बच्चों वेजिटेटिव सेल जो होती है उसका साइज बड़ा होता है यानी बिगर इन साइज है, जबकि जो जेनरेटिव सेल है उसका साइज कैसा होता है, छोटा होता है। दूसरी बात होती है कि वेजिटेटिव जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियस का शेप इररेगुलर होता है, जबकि जो जेनरेटिव सेल है उसमें न्यूक्लियस का शेप जो होता है वो डिस्कॉइड होता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, साइज का और न्यूक्लियस का। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 21 की, विच सेल ऑफ पॉलन ग्रेन डिवाइड्स एंड गिव राइज टू टू मेल गैमेट, कौन सी सेल है पॉलन ग्रेन की जो डिवाइड करती है और क्या बना देती है, दो मेल गैमेट, तो वो सेल कौन सी है बच्चों, जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल में डिवीजन होता है जिससे क्या बनते हैं, दो मेल गैमेट बनते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 22, नेम एनी टू पॉलन कॉज डिसऑर्डर्स इन पीपल, पॉलन ग्रेन्स की वजह से एलर्जी हो जाती है, और उसमें आपको दो नाम याद रखने हैं बच्चों, एक है अस्थमा और एक है ब्रोंकाइटिस, ये दोनों ही सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये पॉलन ग्रेन्स की वजह से होती है। जैसे कि अगर मोस्ट कॉमन अगर मैं कहूँ आपसे, तो जैसे नीम के फूल भी जो आते हैं ना, तो कई लोगों को जैसे नीम लगभग अप्रैल के सीजन में आते हैं नीम के फूल, तो जब वो फूल आते हैं तो उनको क्या होता है कि बहुत ज्यादा छींके आने लग जाएंगी और आंखों में से पानी आने लग जाएगा, तो ये होती है। किसी किसी को स्किन से भी स्किन कॉज्ड एलर्जीज भी हो जाती है, तो यहाँ दो डिसऑर्डर पूछे गए हैं, तो आप एक अस्थमा और एक ब्रोंकाइटिस लिख सकते हैं। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 23 की, विच प्लांट केम टू इंडिया विद इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ वीट एंड कॉज्ड पॉलन एलर्जी, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको लिखना होगा पार्थेनियम, पार्थेनियम जो आपको रोड साइड्स पे लगा हुआ मिल जाएगा, जिसको मोस्ट कॉमनली हम क्या कहते हैं, कैरेट ग्रास यानी कि गाजर घास कहते हैं। ये जो है वीट के साथ आई थी, इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ वीट के साथ आई थी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये एलर्जी कॉज करती है, ये अगर आप ऐसे पार्थेनियम से अगर आप टच हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, अपने स्किन पे बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है, बहुत ज्यादा ईचिंग होने लग जाती है, तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है पार्थेनियम या कैरेट ग्रास। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट टू फैक्टर्स विच अफेक्ट्स वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, तो बच्चों दो फैक्टर्स आपको लिखने हैं, कौन कौन से, एक है बच्चा टेम्परेचर, टेम्परेचर, और दूसरा है क्या, ह्यूमिडिटी, ये दो फैक्टर्स हैं जो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फिर आती है बारी क्वेश्चन नंबर 25 की, नेम थ्री फैमिलीज इन विच पॉलन ग्रेन रिमेन वायबल फॉर मंथ, कई महीने तक, लगभग एक महीना तो मान के चलिए कि वायबल रहते हैं, लेकिन किस में, किन तीन फैमिलीज में, तो यहाँ पे नाम आपको याद रखना होगा, एक तो रोजेसी, रोजेसी, दूसरा आपको याद रखना होगा सोलेनेसी यानी कि आलू वाली फैमिली, और तीसरे लेग्यूमिनोसी यानी कि मटर वाली फैमिली। इसमें क्या होता है कि एक महीने तक लगभग पॉलन ग्रेन जो है वो वायबल रहते हैं।
फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 26 की, पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर फॉर इयर्स इन, काफी लंबे समय तक, सालों तक इनको स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, और टेम्परेचर वहां कितना रखना पड़ता है? -190 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 27 की, ईच पिस्टल हैज थ्री पार्ट्स, हर पिस्टल के तीन पार्ट होते हैं, या कार्पेल कह सकते हैं, पिस्टल एक ही बात है, क्या कौन कौन से तीन पार्ट्स होते हैं? सबको पता है बच्चा कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। आप इन क्वेश्चन को लिख लेंगे ना तो आप ये मानिए मैंने हर लाइन से क्वेश्चन बनाया है, इसमें जहां पर बन सकता है वहां पर मैंने क्वेश्चन बनाया, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं, चाहे वो नीट का हो चाहे वो ट्वेल्थ का हो, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आए, जस्ट आप एक बार गो थ्रू करें और बस फटाफट से आपका रिविजन हो जाए। अब आ रही आती है क्वेश्चन नंबर 28, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड एज, यानी कहां पर आकर पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है? वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है स्टिग्मा। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 29, ओव्यूल्स आर आल्सो नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका है आंसर मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। क्वेश्चन नंबर 30, नेम एनी थ्री प्लांट्स इन विच मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ओवरी, बच्चों तीन प्लांट्स आपको बताने हैं जिसमें कि ओवरी में कई सारे ओव्यूल्स मिलते हैं। तो देखो, दो तो ऐसे हैं जिनको हम खाते हैं, अब बताओ कौन कौन से? वाटरमेलन, यानी कि जो तरबूज है वो सबने खाया हुआ है, आपने देखा होगा जब आप तरबूज काटते हैं तो उसमें कई सारे क्या निकलते हैं? सीड्स निकलते हैं। तो सीड्स बनते किससे हैं? ओव्यूल ही तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में बदल जाता है, तो वाटरमेलन लिख देंगे। एक आंसर एक लिखेंगे आप बेटा पपाया, और एक आप लिखेंगे ऑर्किड्स, है ना, इसमें क्या होते हैं बहुत सारे ओव्यूल मिलते हैं एक ही ओवरी में। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 31 की, नेम एनी थ्री प्लांट्स इन विच ओनली वन ओव्यूल इज प्रेजेंट इन ओवरी, तो यहाँ पे बच्चा आपको लिखना है एक तो वीट, दूसरा लिखेंगे आप राइस, और तीसरा फलों का राजा आम, यानी कि मैंगो। मैंगो में आपने देखा होगा कि उसमें एक जो मैंगो होता है उसमें एक ही गुठली निकलती है, तो इससे क्या मतलब है? यानी एक ही सीड, गुठली क्या हो गया? सीड हो गया, तो सीड हो गया, सीड किससे बना? ओव्यूल से बना, तो वीट, राइस और मैंगो क्या हो गया? एक तीन ऐसे प्लांट हो गए जिसमें कि ओवरी में एक ही ओव्यूल मिलता है। फिर आती है ओव्यूल्स आर अटैच्ड ऑन डैश इन ओवरी, ओव्यूल्स किस पर लगे होते हैं ओवरी पे? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा पे लगे होते हैं। ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय, किसके थ्रू लगे होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। डैश रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, यानी कि उस पॉइंट का नाम बताना है जो ओव्यूल जो फ्यूनिकल से तो लगा, ठीक है, फ्यूनिकल से प्लेसेंटा पर लगा, कौन? ओव्यूल लगा, लेकिन ओव्यूल का कौन सा पार्ट है जहां पर जाकर कि वो फ्यूनिकल लगेगा? तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चा हाइलम। और 35 आता है, ओव्यूल हैज प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। अच्छा हाँ, एक बात और बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 20 था जिसमें था डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, वहां पर दोनों डिफरेंस में एक बार वापस बता देती हूँ आपको। जो वेजिटेटिव सेल थी वो बिगर इन साइज थी, और जनरेटिव सेल थी वो स्मॉलर इन साइज थी। दूसरी बात, वेजिटेटिव सेल में जो न्यूक्लियस था वो कैसा था? वो इररेगुलर इन शेप था, और जनरेटिव सेल में जो न्यूक्लियस था वो कैसा था? स्पिंडल शेप था। ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, मैं गलती से डिस्क शेप बोल गई थी, लेकिन जनरेटिव सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो किस तरह का होता है? वो होता है स्पिंडल शेप, और वेजिटेटिव सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो किस तरह का होता है? वो इररेगुलर शेप का होता है। तो ये हमने आज 35 क्वेश्चन कर लिए, अगला पार्ट बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, उसमें मैं रिमेनिंग पूरी कोशिश करूंगी कि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाके रख दूं विद आंसर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।